जिले के अंतिम छोर में बसे ओरछा गांव के बालक आश्रम में पिछले 5 दिन से रात का भोजन करने के बाद वहां के छात्रों की अचानक तबीयत बिगड़ने का सिलसिला जारी है। छात्रों को उल्टी दस्त के साथ बुखार भी आ रहा है। बड़ी संख्या में छात्रों की तबीयत बिगड़ने के बाद भी यह घटना दबी हुई है। इसका खुलासा तब हुआ जब 14 बच्चों को एक साथ मंगलवार सुबह संजीवनी वाहन से पखांजूर सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सभी छात्रों का इलाज चल रहा है। अब तक आश्रम छात्रों ने जो शिकायत की उसके अनुसार उन्हें रात के भोजन के बाद ही पेट दर्द, उल्टी व दस्त की शिकायत हो रही है। दोपहर के भोजन के बाद स्थिति सामान्य रहती है। ओरछा गांव के बालक आश्रम में पहली से पांचवी तक के कुल 22 बच्चे अध्ययनरत है। इनमें से कुछ बच्चों को 5 दिन पूर्व रात के भोजन के बाद उल्टी दस्त की शिकायत हुई थी। सुबह तक वे ठीक भी हो गए थे। अगले दिन फिर रात को भोजन के बाद तबीयत बिगड़ गई। बुलेरो वाहन किराए में लेकर उल्टी दस्त से ग्रसित बच्चों को झपानार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए लाया गया। यहां 2 दिन रखने के बाद भी स्वास्थ्य में सुधार नहीं आया तो उन्हें कुरनार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शिफ्ट किया गया। इस दौरान बच्चों की संख्या बढ़कर 15 हो गई। एक दिन यहां भी इलाज के बाद कोई सुधार नहीं हुआ तो मंगलवार को कुरनार से संजीवनी वाहन से 14 बच्चों को पखांजूर सिविल अस्पताल लाया गया, जहां सभी को भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। शुभ नाम क्या है आपका? कमल सिंह। आप कौन सा स्कूल का अधीक्षक है? बालक आश्रम। अच्छा, ये जो पखांजूर अस्पताल में 14 बच्चा फूड पॉइजनिंग में आया, 5 दिन पहले इनका बीमार हुआ था, आज अस्पताल में लेके आए, कारण क्या है? पहले दिन वो इरपनार में दिखाई था, 2 दिन वहाँ इरपनार में जी, इरपनार के बाद कुरनार दिखाए जी कल, और आज यहाँ लाए हैं। और उल्टी भी होता है सर। हाँ। तो सबको एक साथ ना, वो जितने बच्चे हैं उसको नहीं होता है। अच्छा। वो गिनती में है, कभी एक को हो गया, कभी दो को हो गया। तो लगातार 14 बच्चे बीमार है पखांजूर सिविल अस्पताल में, उनका इलाज चल रहा है, कहीं ना कहीं इसमें किसी का लापरवाही हो सकता है। आखिर लापरवाही किसकी है? ये तो पता नहीं सर। खाने में क्या दिए थे आप लोग बच्चों? साफ सुथरा बनाते हैं। क्या दिए थे उस दिन खाने में? दाल, सामान्य दाल दिए थे। और तो इसमें एक बच्चों का फूड पॉइजनिंग हो सकता है? 14 बच्चों का कैसे फूड पॉइजनिंग हो गया है? तो समझ में नहीं आ रहा सर, बाकी बच्चे भी ठीक ही हैं वहाँ। कहीं ना कहीं किसी का लापरवाही हो सकता है, किसके जिम्मेदार मानते हो? अब मैं तो किसी का जिम्मेदारी तो नहीं मानता। ऐसा ऐसा तो हो नहीं सकता, फूड पॉइजनिंग जो होती है वो ऐसे नहीं खुद ब खुद नहीं होती है, अधीक्षक का जिम्मेदारी रहता है कुल मिला के। तो आपका क्या जिम्मेदारी है इसमें, क्या भूमिका है? अब मैं तो देख रेख करता हूँ सर। कौन सा स्कूल में आपका ड्यूटी है? बालक आश्रम ओरछा गांव में। तो आपके स्कूल में कल 5 दिन पहले फूड पॉइजनिंग हुआ 16 बच्चों का, किसकी जिम्मेदारी है? कुछ सर लोग हैं सर, वही लोग लाते हैं खाना, उसी बनाते हैं, सब्जी जो लाता है उसी को। कौन सर लाते हैं, नाम क्या है? कमल मंडा भी है सर वहाँ का। हाँ, बनाते हैं किन लोग? चपरासी लोग हैं सर, और रसोईया है। 5 दिन पहले फूड पॉइजनिंग हुआ तो अब तक इलाज क्यों नहीं करवाया? हम सब लोग सर को बता सकते हैं सर, बाकी उनका काम है सर, ले जाना नहीं जाना। आज पखांजूर सिविल अस्पताल में 14 छोटे छोटे नन्हे बच्चों को लेके आए हैं, उसको इलाज चल रहा है, इसको जिम्मेदारी किसकी है? सर अधीक्षक है सर वहाँ का, उसकी है, हम सर को बताते हैं सर, जो भी करना उसकी जिम्मेदारी। अधीक्षक कौन है? कमल सिंह मंडावी है। तो कहीं ना कहीं किसी का तो लापरवाही हो सकती है ना? हो गई सर जिम्मेदारी, कहीं ना कहीं आपका भी जिम्मेदारी है क्योंकि आप खाना बनाते हैं। हम लोग वहाँ चपरासी करते हैं सर, बनाते तो हैं, हर रोज ऐसे बनाते हैं सर। हॉस्टल में सब किसी का जवाबदारी होती है, वहाँ सभी बच्चों को भी नहीं हुआ सर, आधे बच्चों को हो रहा है, आधे को नहीं हो रहा। 20 कुल 20 बच्चे हैं और 14 बच्चों को पॉइजनिंग हुआ है। 24 बच्चे थे सर, 4 बच्चे कल छुट्टी गए हैं, उधर 24 बच्चे थे कल। अच्छा, 24 बच्चे को फूड पॉइजनिंग हुआ था? नहीं सर, 10 बच्चे को हुआ है, 5 का तबीयत खराब है सर। अच्छा, बुखार है। कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं? बालक आश्रम ओरछा गांव। कितने बच्चे आप लोग वहाँ पे बैठे हो? कितने बच्चे हो आप लोग? 20 लोग। हॉस्टल में रहते हो? तो किस प्रकार से आप लोगों का फूड पॉइजनिंग हुआ, क्या खाए थे? सर बैंगन और आलू। अच्छा। और क्या कौन सा सब्जी खाए थे? दाल। तो खाने के बाद क्या हुआ? उल्टी। और कितना बार उल्टी हुआ? कितने बच्चे यहाँ भर्ती हुए है अस्पताल में? 14।